नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के एक महान उपन्यास के बारे में जो एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसका नाम है दिव्या। इसे लिखा गया है यशपाल जी द्वारा, जो एक मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। कहानी के कुछ पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें है मिथोद्रस, जो कि मद्र के गणपति हैं और मिलिंद के सेनापति भी रह चुके हैं। प्रेस्थ, जो कि दास हैं और अश्व व्यापारी हैं। पृथुसेन, जो कि प्रेस्थ का पुत्र है। शीरो, जो मिथोद्रस की पुत्री है। मारेश, पुष्यकांत का पुत्र है तथा चार्वाक दर्शन को मानता है, और चार्वाक वह दर्शन है जो परलोक को नहीं मानते, केवल इसी जीवन में जो है उसे ही सत्य मानते हैं। धर्मस्थ देव शर्मा, जो कि महापंडित हैं और शागल नगरी का न्याय भी देखते हैं। विष्णु शर्मा, जो कि एक रूढ़िवादी प्रकार के व्यक्ति हैं। प्रबुद्ध शर्मा, जो प्रगतिशील व्यक्ति हैं। विनय शर्मा, जो नई पीढ़ी का रूढ़िवादी व्यक्ति हैं। कहानी उपन्यास की नायिका दिव्या, जिसे उपन्यास में तीन नामों से जाना गया है, दिव्या, दास बनने के बाद दारा और नृत्यांगना बनने के बाद अंशुमाला। प्रतूल, जो कि एक दास व्यापारी है। छाया, जो दिव्या की अच्छी मित्र भी है और दास भी। इसमें स्थविर चिवुक भी हैं, जो एक वैद्य हैं। रुद्रधीर, जो कि प्रवर्धन के पुत्र हैं। सकृत, जो कार्तवीर के पुत्र हैं। इंद्रदीप, जो सर्वार्थ के पुत्र हैं। राजनर्तकी मल्लिका, उनकी कुछ विद्यार्थी दिव्या, मधुलिका, कुमुदसेना और उनकी पुरानी विद्यार्थी रत्नप्रभा, जो मथुरा से संबंधित हैं। रुचिरा, जो देवी मल्लिका की पुत्री हैं और जिसकी अल्प समय में ही मृत्यु हो गई। सागल राज्य की कला की अधिष्ठात्री राजनर्तकी देवी मल्लिका की युवा पुत्री रुचिरा अकाल में ही काल कवलित हो गई थी। देवी मल्लिका इसी कारण नृत्य कला तथा समाज से 2 वर्षों तक दूर रही, जिस कारण शागल नगरी का जीवन नीरसा हो गया। आज 2 वर्ष पश्चात सागल नगरी में 2 प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें एक और नवयुवकों के युद्ध कौशल का परिचय लिया जाएगा तथा दूसरी और कन्याओं का नृत्य होगा। 6 युवक पृथुसेन, सकृत, वसुधीर, विनय शर्मा, इंद्रदीप तथा वृषणेश थे। खेल की 2 शर्तें थी, एक तो कोई पक्षपात नहीं करेगा तथा दूसरा कि जब आप अपने शत्रु पर आघात करेंगे तो वह आघात गहरा नहीं होगा। गहरा न होने का तात्पर्य यह है कि किसी को जान से नहीं मार देना। युद्ध कौशल समाप्त होने के पश्चात सकृत और पृथुसेन के शरीर पर केवल 2 रक्तचिह्न पाए गए, जबकि अन्य युवकों पर उससे ज्यादा थे। मिथोद्रस द्वारा सर्वश्रेष्ठ योद्धा सकृत को चुना गया तथा यह भी बताया गया कि पृथुसेन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा क्यों नहीं चुना जा रहा है, क्योंकि उसने युद्ध में अपने बाई और अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे उसकी ऊर्जा अपव्यय हुई, जबकि वहां पर कोई भी नहीं था। पृथुसेन ने बताया कि मैंने अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं किया, बल्कि 5 शत्रुओं का नहीं बल्कि 6 शत्रुओं का सामना किया। उसने दिखाया कि उसके बाईं ओर जो एक स्तंभ था उसको भी उसने शत्रु माना, और जैसे ही पृथुसेन ने स्तंभ को छुआ
वह टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गया। इसे देखते ही जनसमूह में खुशी की लहर दौड़ गई और वहां तालियां बजने लगी। यह देखते ही मिथोद्रस ने अपना निर्णय बदल दिया और पृथुसेन को विजेता बना दिया गया। इस निर्णय पर थोड़ा सा वाद विवाद तो हुआ, किंतु अंतिम रूप से पृथुसेन को ही विजेता मान लिया गया। अब दूसरी ओर नृत्य प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जिसमें माधुलिका ने अभिसारिका की यात्रा एक नृत्य पेश किया, कुसुम सेना ने उर्वशी प्रणय निवेदन पेश किया और अंत में दिव्या ने मराली का आत्मसमर्पण नृत्य किया। मराली का आत्मसमर्पण नृत्य इस प्रकार है कि एक राजहंस है और एक राजहंसी। राजहंस और राजहंसी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। एक बार शिकारी राजहंसी को जाल में फंसा देता है और राजहंसी राजहंस को पुकारती है और राजहंस उसे ढूंढता ढूंढता जब वहां पर पहुंच जाता है तो वे दोनों पूर्ण प्रयास करते हैं कि राजहंसी जाल से निकल जाए, किंतु जब ऐसा नहीं हो पाता तो राजहंस भी जाल में कूद जाता है और बंधन की चिंता नहीं करता। और इसी बीच हंस सावक चारों दिशाओं में ऊपर उड़ने लगे, फैलने लगे। नृत्य खत्म होते ही जनता में एक भावुकता की लहर दौड़ जाती है और इसी समय मिथ्या अनुभूति का भ्रम होता है। इसी बीच जनसमूह में से मारेश उठता है और कहता है, भंते, दुख की भ्रांति में भी जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है। जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है। नृत्य प्रतियोगिता में जीत दिव्या की होती है और अब युवकों की प्रतियोगिता का विजेता पृथुसेन दिव्या की शिविका अर्थात पालिका को उठाने जाता है। इस पर रुद्रधीर ने ललकारा और कहा, दासपुत्र को अभिजात वंश के युवकों के साथ शिविका में कंधा देने का अधिकार नहीं है। यह बात सुनते ही पृथुसेन को क्रोध आ जाता है और वह अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि मेरे अधिकार का निश्चय मेरा खड या तलवार करेगी। पृथुसेन सोचता है, जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। कोई भी उपाय जन्म के अपराध का मार्जन नहीं कर सकता। जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य देव से ले या उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म से असत्य अधिकार की व्याख्या निर्धारित की। हीन कहे जाने वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है अथवा यह द्विज कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र है। पृथुसेन मन में उबलती घृणा और प्रतिहिंसा के लिए मार्ग ना पा, क्रोध में दांतों से होंठ दबाए समूह से बचता हुआ अपने प्रासाद अर्थात महल की ओर चला गया। इसके बाद पृथुसेन देव शर्मा के पास आता है, जहां उसका दिव्या से संवाद होता है और दिव्या उसे भरोसा दिलाती है कि उसे न्याय मिलेगा। इसके पश्चात दिव्या देव शर्मा के पास जाती है और न्याय के बारे में पूछती है, किंतु देव शर्मा बताता है, जो न्याय है वह सभी के लिए समान नहीं है, यह तो व्यवस्थापक की सोच के ऊपर है। अब दिव्या और पृथुसेन में फिर से बातचीत होती है और दिव्या कहती है कि देव शर्मा ने उसे आश्वासन दिया है कि वह गण परिषद में इस बात को उठाएंगे और तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। अब
दिव्या तथा प्रतुसेन को आपस में प्रेम हो जाता है, जबकि दूसरी ओर सागल के ऊपर आक्रमण के लिए किंद्रस तैयार है। मिलिंद के बौद्ध हो जाने के बाद से अब राज्य के पास अपनी कोई विशेष सेना नहीं है। ऐसे में प्रेस्थ, जो प्रथुसेन का पिता है, अपनी कुटिल बुद्धि लगाता है और वह चाहता है कि प्रथुसेन को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और यह स्थिति उसके लिए एकदम सही थी। प्रेस्थ अपनी शर्त रख देता है और वह कह देता है कि वह युद्ध में सहायता तो करेगा, किंतु उसे न्याय चाहिए। और न्याय कौन सा? वर्ण व्यवस्था वाला न्याय। रुद्रधीर को देश निकाला हो जाता है, वह भी पूरे 2000 दिन के लिए। जाते समय रुद्रधीर विनय शर्मा से मिलता है और दिव्या के प्रति अपना प्रेम जाहिर करता है। सारी शक्तियां अपने पास होने के कारण मिथोद्रस प्रथुसेन को सेनापति नियुक्त करता है और यह भी घोषणा करवा देता है कि जो भी लोग, जो दास हैं, वह अगर युद्ध में भाग लेंगे तो उनको दासत्व से मुक्त कर दिया जाएगा। युद्ध में जाने से पहले प्रथुसेन दिव्या से मिलना चाहता है। ऐसे में वापादासी दिव्या से इस विषय में बात करती हैं और दिव्या और प्रथुसेन मिलते हैं। दिव्या प्रथुसेन के सामने अपना समर्पण कर देती है तथा कुछ समय बाद गर्भवती हो जाती है। युद्ध प्रारंभ होता है और प्रथुसेन केंद्रस को परास्त कर देता है, किंतु साथ ही साथ प्रथुसेन भी घायल हो जाता है। युद्ध में जाने से पूर्व प्रथुसेन दिव्या से विवाह करने हेतु प्रेस्थ से संवाद करता है और प्रथुसेन देव शर्मा से भी विवाह हेतु बात करता है। इस पर देव शर्मा विचार करने के लिए कहते हैं और प्रेस्थ को अपने पास बुलाते हैं, किंतु प्रेस्थ विवाह से इसलिए मना कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। और प्रेस्थ कहता है कि अलग वर्णों में विवाह होने से समाज हमें परेशान करेगा, इसलिए मैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। और देव शर्मा भी मान जाते हैं। दरअसल प्रेस्थ तो चाहता है कि वह मिथोद्रस की पुत्री शीरो से प्रथुसेन का विवाह करवाए। अब दिव्या प्रथुसेन से मिलने के लिए महल में आती है, जहां शीरो प्रथुसेन से उसे मिलने नहीं देती और यह गलत सूचना देती है कि अभी प्रथुसेन किसी से मिलना नहीं चाहते। कई बार दिव्या प्रथुसेन से मिलने का प्रयास करती है, किंतु उसे मिलने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से दिव्या के मन में एक अंतर्द्वंद प्रारंभ हो जाता है कि प्रथुसेन कहीं उसे भूल तो नहीं गए हैं। यहाँ तक कि वह यह सोचने लगती है कि यदि प्रथुसेन का शीरो से विवाह भी हो जाता है तो भी वह प्रथुसेन की दूसरी पत्नी बनकर रह लेगी। किंतु प्रथुसेन को भी गलत सूचना दी जाती है कि दिव्या आपसे मिलने के लिए रुकी नहीं, और दिव्या को भी गलत सूचना दी जाती है कि प्रथुसेन आपसे अभी मिल नहीं सकते। इस कारण उन दोनों में संवाद ही नहीं हो पाता और दिव्या धाता के साथ अपना घर छोड़ देती है। मार्ग में जाने पर दिव्या और धाता को वैश्याल्य के पास कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं, किंतु ऐसे समय में राज्य के सैनिक आकर उनकी सहायता कर देते हैं। आगे चलने पर वह एक बूढ़े व्यक्ति को मिल जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता है और बाद में यह बूढ़ा जो दंपति है, पति पत्नी, वह दिव्या को प्रतुल के हाथों भेज देते हैं।
प्रतूल एक दास व्यापार करने वाला व्यक्ति है। अब जैसे ही राजमहल में यह बात पता चलती है कि दिव्या महल में नहीं है, तो उसकी सहेली और दासी छाया से पूछा जाता है। छाया को इस बारे में कुछ पता नहीं, इस कारण उसे पीटा जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब देव शर्मा को यह बात पता चलती है कि छाया की मृत्यु हो गई है, तो इसके शोक में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। प्रतूल मथुरा में 20 स्वर्ण मुद्रा में दिव्या को भूधर को बेच देता है। इसके बाद चक्रधर ब्राह्मण दिव्या को खरीद लेता है और अब दिव्या का नाम दिव्या ना होकर दारा हो जाता है। इसी बीच दिव्या को एक पुत्र भी हो जाता है, जिसका नाम है शाकुल। अब समस्या यह है कि जिस ब्राह्मण ने उसे खरीदा है, उसका जो पुत्र है उसके लिए दूध नहीं हो पाता, और यह दूध की पूर्ति अब दिव्या से होनी थी। किंतु समस्या यह थी कि दिव्या अपना दूध जो मालिक हैं उसके पुत्र को पिलाए या तो अपने पुत्र को पिलाए। अब ऐसे समय में वह अपने दूध की ही चोरी करने लगती है और प्रयास करती है कि शाकुल को भी थोड़ा सा दूध मिले। किंतु इस पर उसके मालिक बहुत नाराज़ होते हैं और वह चाहते हैं कि अब शाकुल को कहीं बेच दें। जैसे ही यह बात दिव्या को अर्थात दारा को पता चलती है, तो वह शाकुल को लेकर वहां से भाग जाती है और बौद्ध संघ में शरण हेतु वहां पहुंचती है। जैसे ही दारा शरण मांगने के लिए स्थविर से कहती है, स्थविर बौद्ध भिक्षु कहता है, देवी चेरी धर्म ग्रहण करने की इच्छा करने वाली तुम कौन हो? दारा ने कहा, धर्म पिता, मैं इस असहाय संतान की माता हूं। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें अनुमति दी है? नहीं देव, पति नहीं है। यदि तुम्हारा पति नहीं है, तो क्या तुम्हारे पिता की अनुमति तुम्हारे चेरी धर्म ग्रहण करने में है? दारा ने सिर हिलाकर अस्वीकार किया, नहीं देव, पति नहीं है, पिता भी नहीं है। गर्दन झुकाए स्थविर फिर बोले, यदि पति और पिता नहीं है, तो क्या तुम्हारे पुत्र की अनुमति तुम्हारे चेरी धर्म ग्रहण करने में है? देव, दासी का पुत्र भी अनुमति देने योग्य नहीं है, अर्थात शाकुल की उम्र अभी बहुत कम है, वह कैसे अनुमति दे सकता है? दारा ने फिर से अस्वीकृति में सिर हिलाया। स्थविर ने पुनः प्रश्न किया, यदि तुम दासी हो, तो क्या अपने स्वामी की अनुमति से यह धर्म ग्रहण करने की इच्छा रखती हो? नहीं देव, दारा ने पुनः सिर हिलाकर कहा, दासी शरण के लिए प्रार्थना करती है। स्थविर ने नेत्र उठाए और कहा, देवी धर्म के नियमानुसार स्त्री के अभिभावक की अनुमति बिना संघ स्त्री को शरण नहीं दे सकता। दारा ने कहा, परंतु देव, भगवान तथागत ने तो वैश्या अम्बपाली को भी संघ में शरण दी थी। इस पर स्थविर ने कहा, वैश्या स्वतंत्र नारी है देवी, और वहां से चला गया। अब दिव्या अर्थात दारा निराश हो जाती है और वह वैश्यालय की ओर अपना रुख करती है। रास्ते में उसे मारिश मिलता है, जिससे वह वैश्यालय का पता पूछती है, किंतु मारिश दिव्या को पहचान नहीं पाता और वैश्या बनने के लिए उसको डांटता है। अब वह ब्राह्मण जिसने दिव्या को खरीदा था, वह वहां पर आ जाता है और यह स्थिति देखकर दिव्या यमुना में शाकुल को लेकर कूद जाती है। ऐसे में रत्नप्रभा दिव्या को बचा लेती है, किंतु शाकुल की मृत्यु हो जाती है।
उसी समय वहां पर राजा रवि शर्मा अर्थात मथुरा के राजा रवि शर्मा पहुंचते हैं और चक्रधर ब्राह्मण को 200 रुपये स्वर्ण मुद्रा राजकोष में जमा करने का दंड देते हैं तथा दूसरी ओर दिव्या को 4 कोड़े लगाने का दंड देते हैं। यह दंड सुनते ही देवी रत्न प्रभा के नेत्रों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर उन्होंने अपने निर्णय को थोड़ा हल्का किया और कहा कि दासी की निर्बल और बीमार अवस्था को देखते हुए उसे कशा का दंड चंवर के केशों से दिया जाए, अर्थात हल्का दंड दिया जाए। रत्न प्रभा का विचार था कि दारा को अपनाकर उसने कीचड़ में से कांच पाया, परंतु दारा तो मणि निकली। थोड़े समय बाद दिव्या की नृत्य कला को जब उसने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। अब दिव्या का नाम पड़ गया अंशुमाला और वह मथुरा की प्रसिद्ध नर्तकी हो गई। मारेश जब भी मथुरा आता था तो वह रत्न प्रभा के यहाँ ही रुकता था और वहाँ आते ही उसने जब अंशुमाला को देखा अर्थात दिव्या को देखा तो उसने उससे वेश्या बनने का कारण पूछा और उसे समझाया कि वेश्या बनने से कोई भी लाभ नहीं है। किंतु दिव्या जो अपने जीवन में इतना परेशान हो चुकी थी वह कहती है कि वह इसमें ही खुश है, उसे जीवन से अब कोई ज़्यादा आशाएं हैं नहीं। रुद्रधीर भी अपना देश निकाला, दंड पूर्ण करने के बीच में मथुरा में भी दिखाई देते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात भी अंशुमाला से होती है और रुद्रधीर अंशुमाला को कहता है कि आपका सही स्थान तो राजमहल में है, आपको कुलवधू या कुल नारी होना चाहिए, वैश्य नहीं। अंशुमाला रुद्रधीर को भी मना कर देती है। ऐसे में रुद्रधीर सोचता है कि शायद यह धन चाहती है और अगली बार नृत्य में वह 1,000 स्वर्ण मुद्रा के बराबर की एक माला को दिव्य के नृत्य के बाद फेंक देता है। दिव्या माला वापस कर देती है और ऐसे में रुद्रधीर विवाह का प्रस्ताव दिव्या के सामने रखता है, किंतु वह फिर मना कर देती है। इधर मल्लिका परेशान है क्योंकि ऋतुसेन का एक अवैध संबंध मधुलिका से भी चल रहा है और एक बार मल्लिका मधुलिका को डांट देती है, जिस पर पृथुसेन मल्लिका का बहुत अपमान करता है और मल्लिका अब बदला लेना चाहती है। ऐसे ही समय में रुद्रधीर का भी देश निकाला का समय पूर्ण हो जाता है और वह वापस सागल में पहुंचता है। रुद्रधीर की वापसी से वहां सब एकत्रित हो जाते हैं। रुद्रधीर और मल्लिका जो पृथुसेन को अब नापसंद करते ही हैं वह उसे मारने की योजना बनाते हैं। एक राजसी भोज रखा जाता है जिसमें पृथुसेन अमृता के साथ नृत्य करता है जो कि उसके कुल की कन्या नहीं है। पृथुसेन बहुत ज़्यादा नशे में है। नृत्य समाप्त होने पर जैसे ही उसे यह आशंका होती है कि उसे मारने का या मारने की योजना बनाई गई है, वह वहां से भाग निकलता है और स्थविर चिवुक के पास जाकर पहुंच जाता है। स्थविर चिवुक उसे बौद्ध धर्म संबंधी ज्ञान देते हैं, जिसके बाद पृथुसेन बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है और भंते पृथुसेन बन जाता है और अब सागल में रुद्रधीर प्रधानमंत्री बन चुका है। अब स्थविर चिवुक पृथुसेन से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें डर लगता है। पृथुसेन कहता है नहीं, तो वह रुद्रधीर के पास पृथुसेन को ले जाता है। रुद्रधीर पृथुसेन को मार देना चाहता है किंतु अन्य लोगों के समझाने पर वह
पृथुसेन को छोड़ देता है। मल्लिका वृद्ध हो चुकी है और वह चाहती है कि उसकी अगली उत्तराधिकारी कौन बनेगी। उसकी अन्य शिष्या इतनी अच्छी है नहीं, तो वह अंशुमाला को चुनती है, क्योंकि रत्नप्रभा भी मल्लिका की ही छात्रा रही हैं, तो वह अंशुमाला को मल्लिका को सौंप देती हैं। अब एक दिन फिर से नृत्य होता है और मंच सजा हुआ है। जनता जैसे ही दिव्या को नृत्य करते हुए देखती है, चौंक जाती है। और इस पर भृगु, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि आर्य कुल की परंपरा में यह नहीं हो सकता, अर्थात एक राजकुल की कन्या नर्तकी नहीं बन सकती। इस पर दिव्या ने रुद्रधीर से निर्णय पूछा कि वह क्या चाहते हैं, और रुद्रधीर ने साफ मना कर दिया कि वर्णाश्रम त्रिकाल सत्य है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसे में दिव्या मंच से उतर जाती है और सड़क पर चलने लगती है। वह धर्मशाला की ओर चलने लगती है, जिसे पांथशाला भी कहा जाता है। रुद्रधीर अब दिव्या के सामने पुनः विवाह का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि तुम्हें कुलनारी होना चाहिए, तुम्हें कुलवधु होना चाहिए, किंतु दिव्या मना कर देती है और वह कहती है कि कुलनारी एक उपकरण मात्र है, सम्मान तो केवल कुल पुरुष का है। इसके बाद वहां पर भंते पृथुसेन भी एक प्रस्ताव रख देते हैं। वह दिव्या से कहता है कि वह आध्यात्मिक यात्रा में उसकी सहयात्री बने। इस पर दिव्या कहती है कि बौद्ध धर्म में नारी का स्थान क्या है। भंते पृथुसेन कहता है कि स्त्री त्याज्य है, तो दिव्या कहती है फिर मेरी आवश्यकता क्या है। इसके बाद वहां पर पहुंचते हैं मारिश, और मारिश का प्रवेश होता है। वह दिव्या से कहता है, मेरे पास ना तो लफ्ज हैं, ना शक्ति है और ना ही धन है, मैं धूल धूसरित पथिक हूं, झूठा आश्वासन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं नारित्व की कामना में हूं और पुरुषत्व प्रदान करना चाहता हूं, मैं आश्रय का आदान और प्रदान चाहता हूं। और इस पर दिव्या कहती है, आश्रय दो आर्य, अर्थात वह मारिश को चुन लेती है। इसी बिंदु पर उपन्यास समाप्त होता है। यशपाल द्वारा लिखा गया दिव्या उपन्यास नारी समस्या को दिखाता है कि कैसे नारी को समाज एक भोग्य के रूप में ही देखता है। चाहे वह राजमहल में है तो वह कुल नारी है, जिसका शोषण कुल पुरुष करता है। दूसरी ओर नारी को दास बनाया जाता है या वैश्या बना दिया जाता है, उसकी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से छीन लिया जाता है। और बौद्ध धर्म में भी नारी को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, अर्थात उपन्यास में धर्म पर, दास व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर, हर जगह यह बताया जाता है कि कैसे संपूर्ण समाज में नारी की स्थिति किसी दास से ज़्यादा बेहतर नहीं है। उपन्यास के अंत में दिव्या एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, ना तो वह राजमहल की कुलनारी बनना चाहती है, ना ही वह धर्म के मार्ग पर जाकर कोई भिक्षुणी बनना चाहती है, वह जीवन में एक सहजता चाहती है और सरलता चाहती है कि वह पुरुष का आश्रय ले और अपना आश्रय पुरुष को दे और परलोक की बातों में नहीं फंसती। और दिव्या नारी समस्या का समाधान अंत में दे देती है।